दोस्तों आज का क्वेश्चन है कि लिक्विड प्रोटीन ऑफ ब्लड रिमेनिंग आफ्टर ए क्लॉट हैज फॉर्म इन काल, यानी कि अगर जब हम ब्लड सैंपल कोई लेते हैं और होने के बाद से जब वो क्लॉट हो जाता है, क्लॉट होने के बाद से जब उसमें से जो लिक्विड निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं। ठीक, यानी कि सैंपल हम लेंगे, जब क्लॉट हो जाएगा तो उसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो उसमें से हमें निकलता है उसको हम बोलते हैं क्या है, जो ऊपरी भाग को। ऑप्शन यहाँ पे है ये बोफिकोट या सीरम या प्लाज्मा या लैम्फ या टिश्यू, कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन ध्यान से सुनना, सैंपल जब क्लॉट हो जाता है तो क्लॉट सैंपल क्या होता है, प्लेन सैंपल का भी क्लॉट होता है, और उस क्लॉट फॉर्म के बाद से जो हमको उसमें लिक्विड निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ जो यहाँ पे आंसर करेक्ट होने वाला है वो होगा यहाँ पे सीरम, यानी कि जब कोई भी सैंपल हम लेते हैं तो क्लॉट फॉर्म में हो जाता है और उसको सेंट्रीफ्यूज करके जो उसमें से लिक्विड निकलता है उसको बोलते हैं सीरम। जो कि अब प्लाज्मा जो यहाँ पे होगा, प्लाज्मा के लिए जो तो वो इरिटेट ट्यूब या शुगर के लिए जो सैंपल लिया जाता है वो क्लॉट फॉर्म कभी नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में ही होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा।